अलवर के थाना गाजी में गैंगरेप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जी हां, और इस मामले में पुलिस की कार्यशैली के विरोध में भाजपा ने प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं जयपुर में भी प्रदेश भाजपा ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर विरोध दर्ज करवाया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में भाजपा नेता राज्यवर्धन राठौर, राजेंद्र राठौर, राजपाल सिंह शेखावत समेत कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के चलते सरकार के इशारे पर ही पुलिस ने इस पूरे मामले को दबाए रखा और ऐसे में दोषियों की जल्द गिरफ्तारी करने, पीड़ितों को सुरक्षा देने और कार्रवाई में देरी करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ये इस प्रकार की विभत्स घटना है, एक कलंक है जिसको धोना बहुत मुश्किल है। सरकार ने ये घटना जानकारी में आने के बाद इसलिए इसको कार्यवाही नहीं की कि चुनाव चल रहे थे। हमको शक है कि सरकार ने चलाकर इस पर कार्यवाही न करने के लिए कहा होगा, जिसके कारण से समय रहते इस पर कार्यवाही नहीं हुई और अपराधी उनसे वीडियो जारी करने के पैसे भी लेते रहे, धमकियां भी देते रहे। ये जानकारी देने के बाद भी इस प्रकार की कार्रवाई न होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की सबसे बड़ी पार्टी और देश के अंदर सबसे ज्यादा जिस पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने लिखित में अवगत कराया कि हम यहाँ पर ज्ञापन देने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी, और उसकी अनुमति भी दी गई, उसके बावजूद भी कलेक्टर अपनी सीट से गायब है। या तो कलेक्टर डरते हैं या फिर उनको आदेश दिए गए कि वो यहाँ पर उपस्थित नहीं रहे। जिस तरह से प्रशासन यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उसी तरह से राजस्थान का जो प्रशासन है, जहाँ रहना चाहिए वहाँ पर उपस्थित नहीं है। किस तरह से इस जघन्य अपराध को दबाया गया, वो अपने आप में एक अपराध है और ये जानने की जरूर कोशिश होनी चाहिए कि इतना जघन्य अपराध हुआ, उसके बावजूद इतने दिनों तक उसको दबा के रखा गया। पुलिस वाले सिर्फ आदेश का पालन करते हैं, उनको किसके आदेश मिले थे इसको दबा के रखने में।